नमस्कार दोस्तों, दाविजन ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर कौशलेंद्र शर्मा, अपना टॉपिक कार्टोग्राफी में चल रहा है प्रोजेक्शन, ठीक है, जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड के लिए, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से। अब तक अपन ने इसमें पढ़ लिया है कि अर्थ शेप क्या है, ठीक है, जियो ग्रिड यानी भू ग्रिड क्या है, और प्लस लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। एक मानचित्र प्रक्षेप के लिए कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं, मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया है, ठीक है, गुण के आधार पर और रचना विधियों के आधार पर। इसमें अपन अब तक पढ़ चुके हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन, जो कॉनिकल प्रोजेक्शन में एक मानक अक्षांश, दो मानक अक्षांश, अंकवाकार प्रक्षेप और बोन प्रक्षेप, रिगोबर्ट बोन का, और बहुसंख्यक प्रक्षेप, और देन उसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्शन के बाद अपन ने पढ़ा था टोपोग्राफिकल सीट्स, ठीक है। हालांकि टोपोग्राफिकल सीट्स का अलग से मैं पूरा वीडियो आपको बना के दूंगा इसी में। और इसमें अपन अभी जो इस सीरीज में पढ़ रहे हैं वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सिलेंड्रिकल बेलनाकार प्रक्षेपों में ध्यान दें, अपने पहला प्रक्षेप प्लेट कैरी प्रोजेक्शन पढ़ लिया है। आज जो इस टॉपिक में प्रोजेक्शन चलेगा वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में हेनरी लैम्बर्ट का होमोलोग्राफिक यानी इक्वल एरिया प्रोजेक्शन आज अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वल एरिया बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप, हिंदी में अपन इसे क्या कहेंगे, हिंदी में अपन इसे कहेंगे बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप, बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, अब ध्यान दें इसका रचनाकार कौन है, रचनाकार है इसका जॉन हेनरिच लैम्बर्ट, जॉन हेनरिच लैम्बर्ट 1772 में इस प्रोजेक्शन का निर्माण किया था, 1772 ईस्वी में जॉन हेनरिच लैम्बर्ट ने। यह प्रक्षेप किस प्रकार का प्रोजेक्शन है, तो पहले तो देखें बेलनाकार प्रक्षेप है, बेलनाकार प्रक्षेप है, दूसरा ये सम क्षेत्रफल है, सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है, ये इसके नाम से अपन को पता चलता है, सिलेंड्रिकल और होमोलोग्राफिक, होमोलोग्राफिक ये दो इसके पहली प्रारंभिक बातें हैं जो अपन ध्यान में देंगे कि पहला तो सिलेंड्रिकल टाइप का है, दूसरा सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है, होमोलोग्राफिक है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्लेट कैरी का सामान्य बेलनाकार प्रक्षेप। अब इसको देखें, ये दोनों बातें कि ये बेलनाकार है और सम क्षेत्रफल है, इसका चित्र किस प्रकार बनेगा, इस टाइप का बनेगा जो मैंने अभी बना रखा है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन, बेलनाकार प्रोजेक्शन प्रक्षेप की श्रेणी में क्यों आता है, तो देखें यह अपनी पृथ्वी और इस पृथ्वी के चारों ओर कागज को लपेटा गया, किसको लपेटा गया, कागज को, कागज के बेलन को लपेटा गया, और फिर उसी भूमध्य रेखा को छूता है कागज का बेलन, और ये यहां ध्रुवों को, इतना ही बड़ा है ये कागज का बेलन, इस कागज के बेलन को लपेटा गया, फिर इस कागज के बेलन को खोला गया, तो इसका शेप इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का शेप बनेगा इसका। अतः ध्यान दें यह कल्पना की गई है, कल्पना क्या की गई है कि पृथ्वी के चारों ओर कागज का बेलन है, प्लस ध्यान दें कागज की बेलन की जो लंबाई है वो ध्यान दें ध्रुवीय व्यास के बराबर है, तो ये क्या है, ध्रुवीय व्यास, ये नॉर्थ पोल, ये क्या है, नॉर्थ पोल,
नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये ध्रुवीय व्यास, इस ध्रुवीय व्यास के बराबर इस प्रक्षेप की लंबाई होती है। क्लियर? तो ध्यान दें, इसमें पहली इमेज तो क्या की गई है कि पृथ्वी के चारों ओर कागज का बेलन बनाकर चिपकाया गया पृथ्वी के चारों ओर, फिर उसको खोला गया, उस पर जो पृथ्वी के जो लैंडस्केप है वो लैंडस्केप जिस प्रकार पृथ्वी पर है वैसे वैसे के वैसे ही उस कागज पे छपेंगे। ठीक है, तो 3D को 2D में कन्वर्ट किया। तो ध्यान दें, पहली बात तो यहाँ कि यह बेलनाकार टाइप का प्रोजेक्शन है और इसमें ये पहली कल्पना, पहली इमेजिन। दूसरी बात देखिए कि ये एक इक्वल एरिया है, सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है, होमोलोग्राफिक प्रक्षेप है। तो पहले अपन पढ़ चुके हैं कि सम क्षेत्रफल प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो देखें, वापस एक बार देखें, सम क्षेत्रफल प्रक्षेप, ये पृथ्वी और पृथ्वी पर ये भूग्रिड, मान लो ये दो अक्षांश रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 20 डिग्री नॉर्थ, और ध्यान दें ये दो देशांतर रेखाएं, मान लो ये 60 डिग्री ईस्ट और ये आ रही है दूसरी वाली, ये आ रही है 80 डिग्री ईस्ट, तो इंटरवल दोनों में कितने का, 20-20 का। अब जो इस वर्ग, ये एक वर्ग बन रहा है, इस वर्ग को देखो ध्यान से, ये जो पृथ्वी पर ये एरिया है, इस एरिया का अगर अक्षांश देशांतर निकाले अपन तो कितना आएगा, देशांतर में तो 60 डिग्री ईस्ट से 80 डिग्री ईस्ट, और ध्यान दें 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ, ये एक एरिया है पृथ्वी के ऊपर, और इस पर ध्यान दें यहां पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी 3D है तो यहां शुद्ध क्षेत्रफल है, शुद्ध क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल शुद्ध है यहां, और आकृति भी यहां तो शुद्ध है। अब देखो मानचित्र में, मानचित्र में ये मानचित्र और ये 20 डिग्री और ये 0 डिग्री, ये 20 डिग्री और ये 0 डिग्री, क्लियर, और ये ग्रीनविच रेखा, तो यहां ये आ गया 60 डिग्री ईस्ट और ये 80 डिग्री ईस्ट, इसका ये एरिया। अब ये तो हो गया ए, मान लो जो पृथ्वी पर है, और ये बी जो पृथ्वी पर वास्तविक क्षेत्रफल है वो का वो इस वास्तविक क्षेत्रफल मानचित्र पर रहेगा, इसीलिए ऐसे प्रक्षेपों को कहा जाता है शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप या सम क्षेत्रफल प्रक्षेप। पृथ्वी पर भूग्रिड में इसी ब्लॉक में जो वास्तविक क्षेत्रफल है वही वास्तविक क्षेत्रफल यदि मानचित्र प्रक्षेप में उसी ब्लॉक में हो तो वह प्रक्षेप सम क्षेत्रफल या होमोलोग्राफिक, ठीक है, या इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कहलाता है, शुद्ध क्षेत्रफल प्रोजेक्शन कहलाता है, सम क्षेत्रफल प्रोजेक्शन कहलाता है, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कहलाता है, प्योर एरिया प्रोजेक्शन कहलाता है, या होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। क्लियर? तो ये दो विशेषताएं मैंने स्टार्टिंग की बताई है कि ये एक बेलनाकार प्रक्षेप है, क्लियर, दूसरा ध्यान दें ये एक शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है, होमोलोग्राफिक प्रक्षेप है। रचनाकार कौन है, जॉन हेनरिच लैम्बर्ट, तो इसे क्या कहा जाता है, लैम्बर्ट का शुद्ध क्षेत्रफल या सम क्षेत्रफल या लैम्बर्ट का होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, लैम्बर्ट होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये इसके दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहां लैम्बर्ट भी पूछा जा सकता है या बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप भी पूछा जा सकता है। अब अपन पढ़ चुके हैं, पहले क्या पढ़ चुके हैं कि शुद्ध क्षेत्रफल या होमोलोग्राफिक, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए कौन सा नियम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखें, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए एक नियम हमेशा के लिए याद रखें कि जिस अनुपात में अक्षांश रेखा की मापनी में वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में देशांतर रेखा की मापनी घटाई जाती है। ध्यान देना वापस नियम, जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं की मापनी
बढ़ाई जाती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की मापनी घटाई जाती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। देखिए ध्यान से, मान लो ये वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर स्क्वायर है और इसमें ध्यान दें अक्षांश है, ये भी 2 किलोमीटर का है और उत्तर भी 2। अब ध्यान दें शुद्ध क्षेत्रफल करने के लिए मैंने क्या किया, अक्षांश को तो कर दिया ध्यान से सुने 4 किलोमीटर और देशांतर को कर दिया 2 किलोमीटर सॉरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये 4 और 1, 4 × 1 कितना हो गया 4 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब इसको उल्टा करें तो ध्यान दो, देशांतरों को तो कर दिया 4 किलोमीटर और अक्षांश, ये नीचे अक्षांश है, ये अक्षांश है, कलर चेंज कर लेता हूं येलो, ये अक्षांश है और ये अक्षांश है, यहां ये अक्षांश है और ये अक्षांश है। तो यहां देखो अक्षांशों की लंबाई बड़ी हुई है तो देशांतरों की लंबाई छोटी है उसी अनुपात में, तो उसी अनुपात में घटाया जाता है। तो यहां देखो ये अक्षांश 2 किलोमीटर है मान लो, तो यहां 2 से कितना हो गया 4 हो गया, तो अपन ने 2 × 4 यानी दुगना बढ़ा दिया, तो यहां 2 है इससे उसी अनुपात में घटाना पड़ेगा, तो 2 से 1 कर दिया, ये 1 किलोमीटर हो गया। क्लियर, तो जिस अनुपात में अक्षांशों को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में देशांतरों को घटाया जाता है, या फिर जिस अनुपात में, या फिर देखो जिस अनुपात में देशांतरों को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में अक्षांशों को घटाया जाता है शुद्ध क्षेत्रफल करने के लिए। ठीक है, तो होमोल अपन ये पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस, तो होमोलोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होते हैं या शुद्ध क्षेत्रफल जो प्रोजेक्शन होते हैं उसके निर्माण के लिए ध्यान से सुने, एक ही फॉर्मेट काम में आता है, एक ही फॉर्मूला कि जिस अनुपात में अक्षांशों की मापनी बढ़ाई जाती है उसी अनुपात में देशांतरों की मापनी घटाई जाती है, या ध्यान दें जिस अनुपात में अक्षांशों की मापनी घटाई जाती है उसी अनुपात में देशांतरों की मापनी घटाई जाती है, या उल्टा हो रहा है, ये जो नियम लिखा है इस नियम के अकॉर्डिंग तो ये है। ठीक है, अब ये तो है देशांतर, ये भी देशांतर, ये अक्षांश, तो यहां देखो जिस अनुपात में अक्षांशों की मापनी घटी है, अक्षांशों में यहां कितना हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है, यहां अक्षांश कितने 2, तो ये घट गए, तो यहां देशांतर कितना हो गया 4 किलोमीटर। क्लियर, ये 4 किलोमीटर, तो इस फॉर्मूले का जैसे ये ए नंबर का फॉर्मूला, तो इसका चित्र तो ये हो गया ए, अब इस फॉर्मूले के लिए ये बी फॉर्मूला, इसके लिए इसका उल्टा कर देंगे कि जिस अनुपात में अक्षांशों की मापनी घटाई जाती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की मापनी बढ़ाई जाती है। क्लियर, तो गुण कौन सा विकसित हो जाएगा, होमोलोग्राफिक। होमोलोग्राफिक वो प्रोजेक्शन होते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं, जिसमें ध्यान दें ग्लोब पर या पृथ्वी पर किसी ध्यान दें भूग्रिड के अंदर जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल मानचित्र प्रक्षेप में होता है, तो उस प्रकार के प्रक्षेप ध्यान दें होमोलोग्राफिक या शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप होते हैं। प्रक्षेपों में होमोलोग्राफिक का गुण डेवलप करने के लिए ध्यान दें जिस अनुपात में अक्षांशों को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में देशांतरों को घटा दिया जाता है, और या फिर जिस अनुपात में अक्षांशों को घटाया जाता है उसी अनुपात में देशांतरों को बढ़ा दिया जाता है, तो होमोलोग्राफिक का गुण विकसित हो जाता है। तो ये अपन ने सिर्फ 2 बातें पढ़ी है कि बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप, रत्नाकार कौन सा, लैम्बर्ट, ठीक है, जॉन हेनरिस लैम्बर्ट, 1772 में इसने इसका निर्माण किया था, और इसी क्रम में देखा अपन ने कि ये बेलनाकार क्यों है, तो बेलनाकार के लिए ये अपन ने कर दिया चित्र कि इसमें ये कल्पना की है कि पृथ्वी के चारों ओर कागज का बेलन लगाया गया और ध्यान दें उस बेलन को खोलकर चौड़ा किया गया, तो इसकी आकृति एक आयताकार हुई। क्लियर, आयताकार रेक्टेंगल शेप में आया। क्लियर, और इस प्रक्षेप की जो लंबाई है वो ध्रुवीय व्यास के बराबर है, यह ध्यान में रखना आपको, इसी के द्वारा इसकी पहचान होगी,
इसी के द्वारा इसकी पहचान होगी। तो पहचान क्या है कि ध्यान दो, देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है वो ध्यान दें ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है। अगर ये वर्ड कहीं भी आए तो समझ जाना जॉन हेनरी लैम्बर्ट का होमोलोग्राफिक या सम क्षेत्रफल या इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की बात की गई है। प्रक्षेपों को पहचानना जरूरी है, उसके गुण लक्षण देखने और उसकी मापनी कहां कहां सुविधा है। तो देखें इसको थोड़े से चित्र इसके, फिर आगे देखते हैं अपन। ये देखिए सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जॉन हेनरी लैम्बर्ट का। इसमें देखो ये होगी पृथ्वी और ये हो गई देशांतर रेखा की लंबाई, ये देशांतर रेखा की लंबाई। अब देखो देशांतर रेखा की लंबाई और ध्रुवीय व्यास, ये ध्रुवीय व्यास नॉर्थ पोल साउथ पोल ये दोनों बराबर है। प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई किसके बराबर है? ध्रुवीय व्यास के बराबर है। ये इसकी पहचान है, ठीक है, ये इसकी पहचान है, क्लियर। अब देखें इसके दो बातें तो आपको समझ में आ गई कि ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है और दूसरी बात है ये होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, यानी शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। अब इसमें देखें कि कहां इसमें मापनिया कहां कहां शुद्ध है, स्केल कहां कहां शुद्ध है। तो आगे चलते हैं, इस प्रोजेक्शन में मापनिया कहां कहां शुद्ध है। बनाने की निर्माण प्रक्रिया मैंने एप्लीकेशन वाले वीडियो पे डाल रखी है, देखिए ध्यान से। ये प्रोजेक्शन इस प्रकार का है बच्चों, ये इक्वेटर 0 डिग्री और ये 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ और फिर उसके बाद में ध्यान दें ये 60 डिग्री साउथ, तो ये 60 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ। उसी प्रकार ये 90 डिग्री नॉर्थ। तो देखो आप देख रहे होंगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी घटती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी घटती जाती है। बाकी देशांतर रेखाएं वो की हुई है, ये देशांतर रेखाएं भी मैं बना देता हूं, ये देशांतर रेखाएं, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ये 180 डिग्री ईस्ट और ये 180 डिग्री वेस्ट और ये 90 डिग्री वेस्ट और ये 90 डिग्री ईस्ट इंडिया से गुजर रही है, ये 30, ये 60, ये 120, ये 150, इस तरीके से ये 60, ये 30, ये 120 और ये 150, क्लियर। ये पूरा पूरा प्रोजेक्शन तैयार है, ये 30, 60 और ये 120 और ये 150, ये सारे के सारे कौन सा हेमिस्फीयर है? वेस्टर्न। और ये 30, ये 60, ये 120 और ये 150, ये कौन सा हेमिस्फीयर है? ईस्टर्न। और ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का है, उनका ये वाला पार्ट, ये पूर्णतः कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा से ये उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर। और दक्षिणी गोलार्ध मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये ले साउथ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर। तो ध्यान से देखें, अब इसमें इस प्रोजेक्शन में देखें, ये देखो इसका पहले वाले प्रीवियस चित्र। अब मैं इसके मापनी के बारे में बात करूंगा, दो चीजें मैं बात कर चुका, ये देखें इस टाइप का प्रोजेक्शन है और सबसे बढ़िया चित्र ये है इसका, इसमें पृथ्वी के चारों ओर बेलन को खोलकर, कागज के बेलन को खोलकर चिपकाया गया है। ये देखें, अब इसमें अपन देख रहे हैं मापनी, मापनी कहां कहां शुद्ध रहती है, स्केल मापनी कहां कहां शुद्ध है,
तो देखिए मापनी अक्षांशों के संदर्भ में देखें अपन, अक्षांशों के संदर्भ में तो मापनी सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा पर जीरो डिग्री पर, इस भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध है। अक्षांशों के संदर्भ में भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध है, मापनी शुद्ध है। क्लियर? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मापनी बढ़ती जाती है, यह ध्यान में रखना है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर मापनी मतलब स्केल, मापनी बढ़ती जाती है। 60 डिग्री नॉर्थ पर मापनी डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और ध्यान दें, ध्रुवों पर मापनी अनंत में चली जाती है, ध्रुवों पर मापनी अनंत पर चली जाती है, अनंत में चली जाती है। ध्रुवों पर मापनी किस में चली जाएगी? अनंत में। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ध्यान से, ध्रुव जो है एक्चुअल में, ध्रुव किसके रूप में? बिंदु के रूप में, डॉट के रूप में। ये ध्रुव भी बिंदु के रूप में। अब ध्रुव बिंदु के रूप में तो उसको फाड़ कर चौड़ा करेंगे तो मापनी कहां चलेगी? अनंत। कागज का बेलन देखो भूमध्य रेखा को तो टच कर रहा है, ये भूमध्य रेखा को तो टच कर रहा है कागज का बेलन, अतः भूमध्य रेखा पर तो मापनी शुद्ध है। और भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर, ये देखो यहां मापनी अशुद्ध हो गई, ये मापनी अशुद्ध हो गई पूरी पूरी, ये मापनी अशुद्ध है। ऐसा कैसे? ध्यान दें, अपर पार्ट में उत्तरी गोलार्ध में ये अशुद्ध मापनी, भूमध्य रेखा को तो कागज टच कर रहा है, ठीक है, भूमध्य रेखा को तो कागज टच कर रहा है, अतः ध्यान दें भूमध्य रेखा पर तो मापनी शुद्ध है। और भूमध्य रेखा से जो जो ध्यान दें, भूमध्य रेखा से जो जो उत्तर की ओर चलेंगे तो मापनी अशुद्ध होती जाएगी। और ध्रुव जो एक बिंदु के रूप में है वो एक रेखा के रूप में हो जाएंगे, एक बिंदु के रूप में है वो एक रेखा के रूप में हो जाएंगे, और ऐसी रेखा के रूप में होंगे जो भूमध्य रेखा के बराबर है। तो भूमध्य रेखा के बराबर उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बराबर दक्षिणी ध्रुव, अतः ध्रुवों पर मापनी क्या हो जाएगी? अनंत में चली जाएगी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से अक्षांशों की मापनी की बात कर रहा हूं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर, ठीक है, मापनी बढ़ती जाती है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मापनी लगभग डबल हो जाती है और ध्रुवों पर मापनी अनंत में चली जाती है, यानी ध्रुव जो है पूर्णतः अशुद्ध होते हैं और भूमध्य रेखा पर सभी चीजें शुद्ध होती है। मापनी भी शुद्ध, क्षेत्रफल भी शुद्ध और दिशा भी शुद्ध और प्लस आकृति भी शुद्ध, कहां? भूमध्य रेखा पर। अतः ये प्रक्षेप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने में प्रयोग में लिए जाते हैं। क्लियर? क्योंकि भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। आगे समझ में? तो चले आगे, आगे मापनी देशांतरों के बारे में बात करते हैं। ये तो मापनी अक्षांशों की होगी, अब देशांतरीय मापनी में देखें, देशांतरीय मापनी, अब देखो सभी देशांतर रेखाएं बराबर है और आप यह भी जानते हो कि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवीय व्यास के बराबर है। किसके बराबर है? ध्रुवीय व्यास के बराबर है। सारी की सारी देशांतर रेखाएं ध्रुवीय व्यास के बराबर है, ये ध्रुवीय व्यास इसके बराबर है। जबकि ध्यान दो, वास्तविक रूप में देशांतर रेखा की लंबाई ये होती है, यानी वास्तविक रूप में देशांतर रेखा की लंबाई ये होती है। और यहां ध्यान दें, देशांतर रेखा किस रूप में प्रेजेंट हो रही है? वो इस रूप में प्रेजेंट हो रही है। तो ध्यान दें, होनी तो क्या चाहिए थी? ये ब्लू कलर वाली होनी चाहिए थी, और ध्यान दें, और हो क्या गई? ये व्हाइट कलर की। तो देखिए ध्यान से एक बार, ये ए टू बी, ये ए टू बी, और ये ब्लू कलर ले लेता हूं मैं, ये ब्लू कलर, ये ए टू बी, कैपिटल ए टू बी और स्मॉल ए टू बी, ये कैपिटल ए टू बी,
दोनों में से लंबाई किसकी ज्यादा होगी नेचुरल, अगर अपन फैलाकर चौड़ा करें तो इस कैपिटल ए टू बी की, और जानने एक्चुअल में होनी ये चाहिए थी ब्लू कलर में, ये वाली देशांतर रेखा है जिसको घटाकर क्या बना दिया गया, ध्रुवीय व्यास। अतः देशांतर रेखाओं पर मापनी घटी हुई होती है, कम होती है। देखो ध्यान से, ये इतनी सी देशांतर रेखा बनती है जबकि होनी ये चाहिए थी, अतः देशांतर रेखाओं पर मापनी घटी हुई होती है। यानी अगर इन दोनों को चौड़ा करें तो अपन इस तरीके से आएगा, ये ए टू बी आएगा और ये कैपिटल ए टू बी आएगा। तो ये तो हो गई वास्तविक और ये हो गई प्रदर्शित। तो वास्तविक से प्रदर्शित क्या है, छोटी है, छोटी है तो मापनी क्या है, घटी है, छोटी है तो क्या है, मापनी घटी है। अतः देशांतर रेखाओं के संदर्भ में देखें अपन, तो देशांतर रेखाओं पर मापनी अपनी वास्तविकता से छोटी होती है, मापनी अपनी वास्तविक लंबाई से, लंबाई के अनुपात से, अनुपात का मतलब मापनी होती है, छोटी होती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है, बराबर होती है, ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है। तो ये तो हो गई मापनी की बात। मापनी में वापस मैं बता देता हूं, सिर्फ भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, क्लियर, और देशांतर रेखाओं पर मापनी ध्यान दे कम होती है, और अक्षांश रेखाओं पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मापनी बढ़ती जाती है। तो ध्यान से सुनो, अक्षांश रेखाओं पर तो मापनी बढ़ती जाती है और उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं में मापनी घटती जाती है। तो एक नया पेज लेके मैं लिखता हूं मापनी के बारे में, ध्यान से इसको समझना कि अक्षांश रेखाओं पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मापनी बढ़ती जाती है। अब देखो, देशांतर रेखाओं पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा, बात वही है, जाने पर मापनी घटती जाती है। अब यहां एक खास बात है कि घटने और बढ़ने का, एक में तो ध्यान दें बढ़ती है और एक में घटती है, यहां ध्यान दें बढ़ने व घटने का अनुपात एक ही होता है। इसी कारण इस प्रक्षेप को शुद्ध क्षेत्रफल यानी होमोलोग्राफिक या इक्वल एरिया प्रक्षेप कहा जाता है। इक्वल एरिया प्रक्षेप कहा जाता है। तो वापस ध्यान दें, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप में को इक्वल एरिया प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाओं पर मापनी बढ़ती जाती है, उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं पर मापनी घटती जाती है, इसलिए यह प्रक्षेप किस प्रकार का हो गया, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया। ये तो बात आ गई मापनी की। अब देखते हैं अक्षांश देशांतर रेखाओं के लक्षण, अक्षांश रेखाएं किस प्रकार की है, तो पहचान या लक्षण देखें तो अक्षांश रेखाएं जो है प्यारे बच्चों, भूमध्य रेखा की लंबाई शुद्ध है। दूसरी बात, सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर है। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर है। देखे, सारी की सारी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर है,
ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये नॉर्थ 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सारी की सारी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर है, और शुद्ध लंबाई वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा है। ध्रुवीय जो है, ध्रुव जो है वो बिंदु के रूप में होने चाहिए, ध्रुव बिंदु के रूप में होने चाहिए, परंतु ये भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर होते हैं, के बराबर होते हैं, क्लियर। और जो बार बार आपके फर्स्ट ग्रेड में जो लाइन आ रही है वो लाइन ये आ रही है, ध्यान से देखें कि भूमध्य रेखा से इस लाइन को कंटेस्ट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार आपके फर्स्ट ग्रेड में आ चुकी है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी घटती जाती है। तो देखें, ये देखो, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी घटती जाएगी, 0 डिग्री से 30 डिग्री चलेंगे तो ये डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, ये डिस्टेंस, और फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री इंटरवल तो वही है, फिर डिस्टेंस कम हो गई, फिर ये डिस्टेंस कम हो गई, यानी अक्षांश रेखाओं की लंबाई नहीं। ध्यान से सुनो, सेंटेंस कौन सा गलत है और कौन सा सही है, कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, ये सेंटेंस पृथ्वी पर लागू होता है लेकिन इस प्रक्षेप पर नहीं, तो इस प्रक्षेप पर तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहां तो सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर है। अब देखो ध्यान दें, इस प्रक्षेप में क्या है कि इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी घटती जाती है, क्लियर, घटती जाती है, जबकि मर्करेटर प्रोजेक्शन में बढ़ती जाती है, ठीक है, और बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप में न घटती न बढ़ती, तीनों के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है, और ये इनकी तीनों की पहचान है, यानी एक प्रक्षेप के साथ साथ तीन प्रक्षेप, आ गया समझ में, तो ध्यान से सुने वापस, ये इसकी मुख्य पहचान है, कि ध्यान दो बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप को पहचानोगे कैसे, कि ध्यान दें इसमें देशांतर रेखाओं की लंबाई किसके बराबर होगी, ध्रुवीय व्यास के बराबर। दूसरी बात, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तब कम होती जाएगी, घटती जाएगी, क्लियर। एक एक वर्ड को आपको सावधानी से लेना है, ठीक है, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप कहा जाता है, ये तो मापने की बात होगी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी घटती जाती है, ये तो किसके बारे में है, अक्षांशों के बारे में। अब बात करते हैं अपन देशांतरों के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, ये तो बात होगी अक्षांश रेखाओं के बारे में, अब बात करें अपन देशांतर रेखाओं की, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है, क्लियर, यानी देशांतर रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती है, यानी देशांतर रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती जाती है सभी देशांतर रेखाएं, क्लियर। दूसरी बात, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है, और इसी क्रम में आगे चलते हैं,
सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई, रेखाओं की लंबाई, लंबाई समान होती है, समान होती है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये देखो सभी की सभी बराबर है, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की है। क्लियर? किसी की भी लंबाई, जैसे ग्रीनविच रेखा की लंबाई ज्यादा और ध्यान दें 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की छोटी, 85.5 की बड़ी, ऐसा नहीं है, सभी की लंबाई समान है। और ग्लोब पर भी सभी की लंबाई समान होती है, ठीक है, लेकिन ग्लोब पर वक्राकार होती है, यहां ये सीधी सरल रेखा के रूप में, किसके रूप में, सीधी सरल रेखा के रूप में, सीधी सरल रेखा के रूप में है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। और इसी क्रम में देखें, सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं, रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में होती है, रेखाओं के रूप में होती है, सरल रेखाओं के रूप में होती है। क्लियर? और सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। दोनों बातें अभी देखना, दोनों बातें भी देखना, एक दूसरे को कहां काट रही है, समकोण पर, ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, ये समकोण है, ये समकोण है, ये समकोण है, ये समकोण है, ये अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं भी सरल रेखाओं के रूप में है और देशांतर रेखाओं भी ध्यान दें सरल रेखाओं के रूप में, एक दूसरे को ध्यान दें समकोण पर काटती है, और ग्लोब पर भी एक दूसरे को समकोण पे ही काटती है, ठीक है, लेकिन ग्लोब पर सरल रेखाओं के रूप में नहीं है, ठीक है, वक्राकार रूप में है देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार रूप में है, ये तो ग्लोब पर है। अब इनको काटकर अपन ने चौड़ा किया तो देशांतर रेखाएं जो ध्रुवों पर आकर मिल जाती है सारी की सारी, वो यहां मिल नहीं रही है, वो तो सीधी की सीधी खड़ी जा रही है, क्योंकि ध्रुव एक बिंदु के रूप में भूमध्य रेखा के बराबर हो गए, बिंदु के रूप में होने चाहिए लेकिन भूमध्य रेखा के बराबर हो गए। एक एक लाइन के समझते चलना, सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। क्लियर? और सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में है। अब देखिए इसका गुणधर्म क्या है, यानी गुणधर्म क्या इसकी वस्तु स्थिति है, तो देखें यह शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है, पहली बात तो क्षेत्रफल प्रक्षेप है, यानी इस प्रक्षेप में किसी भी ब्लॉक में, किसी भी ब्लॉक में, इस प्रक्षेप में किसी भी ब्लॉक में उतना ही क्षेत्रफल रहेगा जितना पृथ्वी पर है, किसी भी ब्लॉक में, ये जैसे ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, ठीक है, ये बी ब्लॉक और ये सी ब्लॉक, इन ब्लॉकों का ग्लोब पर उतना ही एरिया है जितना, ये देखे इसका जो ये ए ब्लॉक है, इसका यहां पृथ्वी पर जो क्षेत्रफल है वो का वही क्षेत्रफल इस मानचित्र में है, ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सम क्षेत्रफल प्रक्षेप कहा जाता है, सम क्षेत्रफल प्रक्षेप कहा जाता है। तो इसका गुणधर्म में सबसे मुख्य बात क्या है कि एक शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। दूसरी बात, भूमध्य रेखा पर आकृति शुद्ध होती है, आकृति शुद्ध होती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, इधर से भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आकृति विकृत होती जाती है, विकृत होती जाती है, भूमध्य रेखा पर दिशा भी शुद्ध रहती है, तो भूमध्य रेखा के मानचित्र जो है वो अच्छे बनते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों के मानचित्र अच्छे बनते हैं। अब मैं आपको मानचित्र बना के दिखाऊंगा, ठीक है, अब मैं आपको इस पर मानचित्र बना के दिखाऊंगा, मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है, मुख्य मुख्य बातें बता दी है,
ये देखिए वर्ल्ड का मानचित्र, ठीक है, इसमें देख लें आप, ये अफ्रीका कितना बड़ा अर्थतंत्र दिख रहा है, लेकिन यहां ग्रीनलैंड दिख ही नहीं रहा, अंटार्कटिका एक लाइन में चल रहा है, क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर तो आकृति बिल्कुल बिगड़ जाती है, ध्रुवों पर तो आकृति बिगड़ ही जाती है, और मध्यवर्ती क्षेत्र में लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में आकृति सही रहती है। क्षेत्रफल तो इसमें सभी जगह शुद्ध है, क्षेत्रफल तो सभी जगह शुद्ध है, लेकिन भूमध्य रेखा की आकृतियां शुद्ध रहती है भूमध्य रेखा पर। अतः ये उपयोग किसमें आएगा? भूमध्य रेखा के मानचित्र बनाने में। अब क्षेत्रफल शुद्ध है, तो क्षेत्रफल जब शुद्ध होता है तो हमेशा वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं। अतः पूरी लाइन ध्यान से सुने, यह प्रक्षेप भूमध्य रेखीय प्रदेशों के वितरण मानचित्र बनाने में उपयोग में लिया जाता है। ये देखें, ठीक है, ये देख लो आप, यहां ध्यान दें, ये इस एरिया में तो शुद्ध है, बाकी ग्रीनलैंड आपको नजर नहीं आ रहा, या स्कैंडिनेविया नजर नहीं आ रहा, हडसन की खाड़ी रपर पार्ट का एरिया नजर नहीं आ रहा, अंटार्कटिका एक पतली चपटी पट्टी के रूप में है, जबकि अफ्रीका बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये यहां विकृत हो जाएगा, और मर्करेटर में इससे उल्टा हो जाएगा, मर्करेटर में ये तो छोटे हो जाएंगे वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये विकृति तो आनी है, क्योंकि पृथ्वी थ्री डायमेंशनल है, ये देखो आप वर्ल्ड का मानचित्र। तो अतः ये भूमध्य रेखीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने में प्रयोग में लिए जाते हैं, क्लियर, भूमध्य रेखीय प्रदेश के मानचित्र बनाने में प्रयोग में लिए जाते हैं। चलो यही नोट कर देता हूं मैं, ये खाली तो पड़े हैं। उपयोग पीछे देखना, पीडीएफ मिले तो ध्यान रखना, मैंने उपयोग यहां लिखा है, ठीक है, उपयोग ध्यान में, उपयोग भूमध्य रेखा पर शुद्धता रहती है, शुद्धता रहती है कहां? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, प्रदेशों में शुद्धता रहती है। अतः ध्यान दें, यह शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप होने के कारण, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप होने के कारण, होने के कारण इस मानचित्र प्रक्षेप का प्रयोग, मानचित्र प्रक्षेप का प्रयोग, प्रयोग भूमध्य रेखीय प्रदेशों के, भूमध्य रेखीय प्रदेशों या निम्न अक्षांशों, निम्न अक्षांशों या फिर उष्णकटिबंधों, उष्णकटिबंधों के वितरण मानचित्र, वितरण लिखा है मैंने, वितरण क्यों लिखा है? क्योंकि यह शुद्ध क्षेत्रफल आ रहा है, वितरण मानचित्र बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, वितरण मानचित्र बनाने में किया जाता है। ये क्लास ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट वगैरह के लिए तो बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। बनाने का प्रोसेस मैंने एप्लीकेशन पे डाल रखा है अलग से। तो यहां देखें, प्रक्षेप का प्रयोग भूमध्य रेखीय प्रदेशों, निम्न अक्षांशों, उष्णकटिबंधों के वितरण मानचित्र बनाने में किया जाता है। तो वापस शुरू से सारी बातें मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मौखिकली वर्बल्ली। बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप, रचनाकार जॉन हेनरिक लैम्बर्ट, ठीक है, रचना कब की थी? 1772 ईस्वी में। नाम क्या है? बेलनाकार। तो पृथ्वी के चारों ओर कागज का बेलन चिपकाकर उसे खोला गया, ठीक है, लेकिन कागज के बेलन की लंबाई ध्रुवीय व्यास के बराबर है, यह ध्यान में रखना आपको, कागज के बेलन की लंबाई ध्रुवीय व्यास के बराबर है, क्लियर, इसलिए यह बेलनाकार प्रक्षेप हो गया। अब आइए शुद्ध क्षेत्रफल या होमोलोग्राफिक लैम्बर्ट का प्रोजेक्शन। तो इसे होमोलोग्राफिक क्यों कहा जाता है? इस प्रक्षेप में पृथ्वी के किसी भूग्रिड के ब्लॉक में जितना क्षेत्रफल है वो का वही क्षेत्रफल इस प्रक्षेप पे रहता है किसी भी ब्लॉक में, अतः ये क्या कहलाता है? शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप कहलाता है। इसे शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए? तो उपाय ये अपनाया गया कि जिस इसमें स्पेशली इसमें जिस तरीके से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांशों में मापनी बढ़ रही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांशों में मापनी बढ़ रही है, उसी अनुपात में देशांतरों से
देशांतरों की मापनी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर देशांतरों की मापनी घटा दी गई है, अक्षांशों की मापनी बढ़ा दी गई है, देशांतरों की मापनी घटा दी गई है, अनुपात सेम रहेगा और ध्रुवों पर मापनी अनंत में चली जाती है, तो ध्रुवों पर देशांतरों की मापनी भी खत्म हो जाती है। आ गया समझ में? देशांतर रेखाएं अपने वास्तविक आकार से छोटी होती है। अब इसकी पहचान देखें, पहचान इसमें एक पहचान तो ये देखनी है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी घटती। नब्बे डिग्री साउथ, क्लियर। और ये देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं
अब इस पे देखें मानचित्र बनाएं वर्ल्ड का, तो इस टाइप का मानचित्र बनेगा। ये अफ्रीका 30 डिग्री और 30 डिग्री दोनों ही अफ्रीका से अक्रॉस होती है। माय गॉड, ये अफ्रीका, तो अफ्रीका का मानचित्र तो इस पे बड़ा बनेगा, ठीक है। और ये एशिया 30 डिग्री, एशिया भारत के अपने गंगानगर से गुजरती है, तो ये इंडिया और ये एशिया। ऑस्ट्रेलिया यहां है, ये इधर, इसका थोड़ा सा और पार्ट मुझे बढ़ाना चाहिए था, तो ये ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका यहां है, कैरेबियन सागर का प्रेजेंटेशन कर सकते। ना डायरेक्ट गजेटेड अधिकारी बनोगे आप, ठीक है। तो बड़े सीरियस और थोड़ी सी मेहनत से ही आप क्लियर कर सकते हो। 225 क्वेश्चन का खेल है और उसमें से ज्योग्राफी के 120 क्वेश्चन है, मायने रखते हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को जैसे फूल चुनते हैं वैसे चुनना है आप लोगों को। मैं और डॉक्टर एसपी गोस्वामी आपकी इस जो यात्रा है सफलता की, इस यात्रा में हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे, ठीक है दोस्तों। एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ अगला जो वीडियो है वो ध्यान दें, इसी के आगे वाला पार्ट आएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे गिराडस मर्केटर को, और गिराडस मर्केटर ध्यान दें मध्यकाल का एक डच मानचित्रकार था जिसने मानचित्र कला में एक अभूतपूर्व क्रांति पैदा कर दी थी 1569 में। क्लियर दोस्तों, तो अब पढ़ेंगे इसके बाद गिराडस मर्केटर प्रोजेक्शन, जो 100% फर्स्ट ग्रेड में एक सवाल आता है मर्केटर प्रोजेक्शन का। ये एक शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप था, वो यथाकृतिक प्रक्षेप है, दोनों में रात दिन का अंतर है, इसका उल्टा चलेगा। आ गया समझ में? तो दोस्तों तब तक खुश रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को ढंग से दो बार देखें, एक एक बोली हुई लाइन को नोट करें और उसको प्रैक्टिकली एडवाइस करें। अपने आप कोई चीज प्रोजेक्शन में कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं होगी जो नहीं आएगी। आज मेहनत कर ले एग्जाम के दिन के बजाय, आज अगर मेहनत कर लोगे तो भार नहीं होगा अगले 4-5 महीनों के बाद, ठीक है। तो ध्यान सुने, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और एक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। कितनी देर तक वॉइस चली गई? कितनी